हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YWB व्लॉग। आज आप देख सकते हैं दोबारा हमारे सामने खड़ी है इंटॉर्क का वकांडा फॉरएवर एडिशन, जो कि लास्ट वीडियो मैंने आपको इसके एडवांटेज बताए थे। आज की वीडियो में आपको डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करे दोबारा से ओनर को बुलाते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आ चुके हैं हमारे ओनर। तो भाई चलो, लास्ट वीडियो में आपने एडवांटेज बता दिए थे, आज आप डिसएडवांटेज बताओ कि स्कूटी में क्या क्या डिसएडवांटेज लगते हैं आप। पहला डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसमें प्लास्टिक और फाइबर बॉडी का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा स्कूटी को। ओके, तो पहला डिसएडवांटेज भाई को ये लगता है कि पूरी स्कूटी जो है हमारी वो प्लास्टिक फाइबर बॉडी में है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको आवाज़ सुनवाऊँ तो, जिससे अगर आपका छोटा सा माइनर सा भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी स्कूटी हैवीली डैमेज हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो टूट ही जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। चलो दूसरा डिसएडवांटेज बता दो भाई। भाई दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेग स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे हेलमेट भी नहीं रख सकते आप। अच्छा, तो भाई के हिसाब से दूसरा जो डिसएडवांटेज स्कूटी में वो ये है कि लेग स्पेस बहुत कम मिलता है। एक्टिव वगैरह के कंपेयर में देखा जाए तो इसमें सच में हमको देखने में बहुत कम मिलता है। अगर इसमें एक बंदा बैठ जाए तो आप देख सकते हैं पैर, अगर एक बंदा पैर रख ले अपने तो आप यहाँ पे कुछ सामान नहीं रख सकते। भाई पर बैठ कर दिखा दो। ये देखिए गाइस, यूजुअली अगर कोई बंदा बैठ कर स्कूटी चलाता है तो इतना आगे होकर बैठता है। अब आप देख सकते हैं कि भाई के पैर रखने के बाद ऑलमोस्ट फुट स्पेस ख़त्म हो चुका है, हम कोई चीज़ वगैरह रख नहीं सकते, हेलमेट वगैरह रख नहीं सकते। तो दूसरा डिसएडवांटेज हमारा ये होगा कि फुट स्पेस बहुत कम मिलता है हमको। तीसरा डिसएडवांटेज बता दो, तीसरा डिसएडवांटेज क्या लगता है आपको? तीसरा भाई ये है कि इसके जो ट्रंक है इसका, उसमें हेलमेट रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तीसरा डिसएडवांटेज भाई ये कह रहे हैं कि जो इसकी डिक्की में हेलमेट रखने की जगह नहीं है। एक बार डिक्की खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, अगर आपको इस डिक्की में हेलमेट रखना है तो आपको सिर्फ वो वाला हेलमेट आएगा जो हाफ साइज़ होता है, हाफ फेस हेलमेट होता है, सिर्फ हाफ फेस हेलमेट आएगा, कोई भी फुल साइज़ हेलमेट नहीं आ सकता, इसकी डिक्की इतनी छोटी है। तो ये एक डिसएडवांटेज और है। तीन डिसएडवांटेज हमने आपको बता दिए भाई। चौथा डिसएडवांटेज क्या लगता है आपको अब? भाई चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जब टैंक फुल कराते हैं हाँ, तो फ्यूल यहाँ से लीक होता है। अच्छा, तो भाई का ये कहना है कि जब इसमें पेट्रोल हम डलाते हैं, टंकी फुल कराते हैं, तो कभी कभार यहाँ से पेट्रोल लीक होता है, तो एक डिसएडवांटेज ये भी होगा हमारा। तो भाई और डिसएडवांटेज आपको लगता है कोई? हाँ भाई इसमें यहाँ पे डिग्गी में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, अगर ये आगे दिया होता तो ज़्यादा आसानी होती। तो भाई का कहना ये है कि डिक्की में जो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता ही, अगर यहाँ के बजाय आगे मिलता तो ज़्यादा बेटर था, जो कि सही बात है। अगर किसी को चलते वक्त मैप वगैरह लगाना तो यहीं पे लगा लेता, नहीं लेकिन ऐसे में फिर डिक्की में फ़ोन होता तो वो कैसे लगाए। डिसएडवांटेज ये भी हो गया। तो भाई ये डिसएडवांटेज है, या आपको और कोई भी डिसएडवांटेज लगता है? भाई इसमें जो डिग्गी और फ्यूल टैंक है वो आगे से नहीं खुलता, यहीं से आके खोलना पड़ता है हमको, जो कि दूसरी एक्टिवाज में खुल जाता है आगे तो से। भाई का ये कहना है कि एक्टिवा वगैरह में जो हमारा इग्निशन होता है, इग्निशन से ही स्कूटी स्टार्ट ऑन हो जाती है, वहीं से हमारी डिक्की खुल जाती है, वहीं से पेट्रोल टैंक खुल जाता है। मगर एंटॉर्क में हमको डिक्की और पेट्रोल टैंक खोलने के लिए उतर के पीछे आना पड़ता है, यहाँ पे चाबी लगानी पड़ती है खोलने के लिए। तो ये हमारे छः डिसएडवांटेज हम आपको बता चुके हैं। भाई और कोई डिसएडवांटेज लगता है आपको? तो भाई की तरफ से बस यही डिसएडवांटेज थे, जो कि देखा जाए तो मेजर डिसएडवांटेज ही थे। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको आज एंटॉर्क के डिसएडवांटेज बताए कि इस स्कूटी में क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये डिसएडवांटेज आपको सिर्फ इस मॉडल में नहीं, दूसरे मॉडल में भी मिलेंगे, क्योंकि एंटॉर्क का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सारी मॉडल्स का सेम है। तो यही थे हमारे आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।